हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उलेन कमरबंद के डिज़ाइन बनाकर बताऊंगी। तो आइए इसकी बुनाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक या दो चैन लेंगे। इस तरह से हमें ले लेना है और उसके बाद से हमें फंदे ले लेके दो दो बार बुनाई कर लेना है, 5 बार या 6 बार कर लेना है। तो इस तरह से 5 या 6 बार आप भी बुन लें, उसके बाद से पलट दें और बिन यहाँ पे फंदा नहीं लेना है, और बिन फंदे लिए हुए ही हमें पूरे ऐसे ही बुनाई कर लेना है पूरे लास्ट तक। तो इस तरह से हमने बुन लिया है और फिर पलट देंगे, और यहाँ पे वापस फिर से हम 2 या 3 चैन लेंगे और 5 या 6 बार हम यहाँ पे दो दो बार करके बुनाई कर लेंगे। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि हम जब भी फंदे निकालें तो एक ही जगह से हम बार बार रिपीट करें, ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छा लगे दिखने में। उसके बाद से हमें थोड़ा सा दूरी पे इसे बांधकर और फिर वापस हमें यहाँ पे दो दो बार करके बुनाई कर लेनी है 5 या 6 टाइम्स। तो इस तरह से देखिए आप, दो स्टेप में बन के तैयार हो गया है। और फिर हम साइड से पलट देंगे और फिर वापस हम यहाँ बिन फंदे लिए हुए इसे हम बुन लेंगे। इस तरह से हमने बुन लिया है। उसके बाद से हम यहाँ चैन लेंगे, 3 या 4 चैन ले लेंगे और वापस हम फिर से यहाँ डबल क्रोशिया की बुनाई करेंगे। दो दो बार इसे बुन लेंगे, 5 बार या 6 बार।
इस तरह से बुनने के बाद से हम यहाँ पाँच या चैन के बाद से वापस हम इसे ज्वाइन कर देंगे और फिर से हम यहाँ चार या पाँच डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे। तो देख सकती हैं आप इस तरह से हमें बुनाई करनी है और वापस फिर हम एक या दो चैन छोड़ के उसे हम फिर यहाँ पे बांध देंगे। और देखिए यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद से वापस हमें फिर पांच या छह बार हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेनी है। तो देखिए हमारा 1 2 3 स्टेप में बनके तैयार हो रहा है और बहुत ही इजी तरीके से हम बता रहे हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो उसके बाद से हमें यहाँ पे वापस बिन फंदे लिए हुए इसे सारे को बुन लेना है। इस तरह से हमने इसे बुन लिया है और यहाँ पे हमें फिर आगे बुनाई करने के लिए हमें उसी प्रोसेस में यहाँ फिर चैन लेना होगा और फिर वापस हमें यहाँ दो दो बार करके बुनाई कर लेनी होगी। तो इस तरह से फिर थोड़ा सा दूरी पे हम इसे ज्वाइन कर देंगे और वापस फिर से हम यहाँ पांच बार डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ बुनाई करने के बाद से वापस हमें फिर से थोड़ा सा दूरी पे इसे फिर ज्वाइन करना है जैसे हमने नीचे किया था सेम उसी प्रोसेस में हमें ऊपर भी वैसे ही करना है।
उसके बाद से हमें फिर से लास्ट में इसे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ फिर से हमें दो दो फंदे ले ले के बुनाई कर लेनी है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा घर बढ़ते जा रहा है और हम इसे जितना भी लेंथ में रखना चाहें हम इसे रख सकते हैं और बना सकते हैं। तो आइए इसे हम आगे की बुनाई करते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने 5 स्टेप में इसे बुन लिया है। अगर आप इसे बना रही हैं तो इसकी लेंथ आप और स्टेप ज़्यादा रखें। तो दोस्तों
मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों बाय एंड वेट माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।